हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज शेयर कर रहा हूँ पूरी डाइट अपनी जो मैं बल्किंग के टाइम पे फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली बल्क तो नहीं, लेकिन अभी मेंटेनेंस कैलोरीज पे हूँ। तो पहला मील है गाइस ये वे प्रोटीन। अब सीधा जाऊँगा जिम। बहुत लेट हो गया यार आज। वैसे यूजुअली 9:30 तक जिम पहुँच जाता हूँ मैं। ये अपना जिम। आओ आज से फैन तो बना ना, हमको इंट्रोड्यूस करा भाई। रोज का हो गया गाइस ये लाइट बंद होना। पूरा लाइट जाकर है। ये मेरा दोस्त क्लासमेट्स बनाना है ना भाई, वो सबसे सीनियर सबसे सिंसियर वो लड़का है गाइस। तो ये गाइस मोटिवेशन है और स्टडी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सिल्वर मेडल मिला है गाइस मुझे। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ी देर में एडिटिंग फिनिश करके जिम क्लोज करके चला जाता हूँ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा दर्शन करके गुरबानी पाठ करके गुरु साहब का वचन, जा जा पेखो ता हजूर दूर कतहु न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा दियाई, जहाँ भी देखता हूँ प्रभु वहाँ हाजर ना जाए। वह किसी भी स्थान से दूर नहीं, वह तो सब में समा रहे हैं, इसलिए मेरे मन सदा उसका ध्यान सिमरन कर। ये गुरु साहब का वचन है गाइस, गुरु ग्रंथ साहब जी का। तो वचन साहब लेके मैं अपनी मील प्रिपेयर करता हूँ, एक्स लेता हूँ। ये गाइस मशीन बहुत हेल्पफुल है, सिर्फ 350 रुपये की अमेजोन पर आपको मिलेगी। बहुत हेल्पफुल मशीन, जरूर लीजिएगा अगर आप रेगुलर एक्स खाते हैं। सो देखो गाइस, यहाँ है मील 2 जिसे मैंने लिए। यहाँ पे 5 एग्स, उसमें से 2 होल है, और इसे मैं राइस के साथ और दाल के साथ मिक्स करके खाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा ना गाइस एग्स का वो टेस्ट नहीं होता है। आप दाल के साथ कोई भी मील के साथ आप खाओगे ना, आप इजीली कंसिस्टेंसी के साथ खा पाओगे। मैं तो यही करता हूँ, मैं सालों से यही करते आ रहा हूँ। तो सिंपल मील है, 200 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, 2 होल एंड 5 एग वाइट्स, एंड ये दही है 200 ml दही, एंड ये दाल, एंड थोड़ा मैंगो लिया है जो घर पे जो सब्जी बनती है रेगुलर। और यहाँ पे मैं खाता हूँ 4 रोटीज। मेरे मेजरली एक रोटी का वेट 30 से 40 ग्राम होता है, क्योंकि बहुत पतली रोटी होती है। और ये गाइस मील 2। अगर आप दिल से खाते हो ना, तो कोई भी चीज़ आपको लगेगी, और शुक्राने उस प्रभु के, उस परमात्मा के, रब के करना जरूरी है कि आपको इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। और मैं देखता हूँ लोग रोते हैं, मेरे को रोज ये खाना पड़ रहा है। गाइस ये आपकी चॉइस है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको जिम करना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो प्लीज दिल से करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ अपने लाइफ में जरूर ऐड करना और इसे फॉलो करना, आप देखना आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरा क्या पता है, मैं कट टू कट काम करता हूँ, मीन्स मेरे को बहुत ज्यादा ये बोलते ना एकदम कट टू कट चलने का ज्यादा है। मेरे को कल आज वीडियो ऑर्डर अपलोड करना है, और मेरे पास आज का ही टाइम है, 2 घंटे का टाइम है कि मेरे को एडिटिंग भी करना है। सो मेरा बहुत ही खराब वो है गाइस, मेरे को शेड्यूल नहीं करते आता है। गई गाड़ी नीचे। ट्राइपॉड ही गिर गया गाइस, पहली बार शूट कर रहा हूँ, ऐसे एक्चुअली आदत नहीं है मेरे को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन हो जाएगा आदत, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रखने की जगह तो नहीं है मेरे पास। सो आ गया गाइस जिम। अब सबसे पहले अपनी एडिटिंग फिनिश करता हूँ। मैं ना स्टार्टिंग से ये वी एन ऐप पर एडिटिंग करता हूँ, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स जब से यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं एडिटिंग गेम नेक्स्ट लेवल जा रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब या फिर आप कर सोच रहे हो, तो प्लीज़ लर्न आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, बहुत काम आएगा ये आपके लिए। फाइनली गाइस एडिटिंग कम्प्लीट, अभी अपना एक सप्लीमेंट लेने का टाइम हो गया है। थर्ड मील लेने से पहले मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले लेता हूँ। मैं वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहा हूँ, लगभग आप देख सकते हैं पूरा ख़त्म भी हो गया है। तो बेस्ट क्रिएटिन है, आप वेलबस.in पे जाइए।
मनीष 10 यूज करिए, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, यानी 539 रुपीज में आपको 1 मंथ तक चल जाएगा। तो जाकर ट्राई करिए और इसके रिजल्ट देखिए, अमेजिंग रिजल्ट है गाइस। तो जरूर अपने सप्लीमेंट स्टैक में ऐड करिए, एक बेस्ट सप्लीमेंट है जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो गाइस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में अभी क्यों लेता हूँ उसका रीज़न है, भैया रात को मैं वर्कआउट करता हूँ, इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ, तो इवनिंग में वर्कआउट के बाद थोड़ा सा वाटर बराबर पी नहीं पाते, अब सोना पड़ता है तो मेरी स्लीप क्वालिटी ख़राब ना हो, इसलिए मैं ये टाइम भी लेता हूँ। तो आप भी अगर इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आप कभी भी ले सकते हैं। अभी क्रिएटिन का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही टाइम पर लेना है, आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, बेस्ट सप्लीमेंट है गाइस। क्रिएटिन लेने के बाद हम चल दिए हैं गाइस बजाज शो, टन टन टन। तो गाइस शोरूम में गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो देखते हैं जो बेस मॉडल है वही लेने की सोच रहा हूँ, बेस मॉडल चाहिए हमें, देखते हैं करोल बाग, फिर हम जाएंगे इससे इससे गाइस करोल बाग। टॉप बनाएंगे फिर उसको, बेस मॉडल को हम टॉप बनाएंगे। 1,12,000 समथिंग उसने कुछ बताया प्राइस, 1,12,000 ठीक है, इतना भी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं लगा, टीवीएस आई क्यू है तो थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस लग रहा है मेरे को, ठीक है इसका प्राइस। और बिल्ड क्वालिटी की वजह से मैं देख रहा हूँ बजाज चेतक, बाकी तो टीवीएस भी अच्छी है और प्राइस के मामले में बजाज काफ़ी, बाकी सब गाड़ी पूरी सेम है, सिर्फ स्पीड कम कर दिए, बैटरी कम कर दिए और बेस मॉडल बना दिए और क्या। तो अभी 5:30 हो गए गाइस, अभी ये गाइस थर्ड मील का टाइम, तो घर पहुँच गया हूँ तीसरी मील लेके। आपको बताता हूँ थर्ड मील क्या है, साइकिल लगा के रखते हैं यार, गाड़ी जाने की जगह ही नहीं होती है, ये गाड़ी हो गई बाहर। सो देख सकते हैं अब ये थर्ड मील, सिंपल है गाइस, 2 eggs लिए मैंने, होल eggs एंड 1 scoop वे प्रोटीन लिया है। अब क्या होता है जब मेरे को अभी एग्स खाने की इच्छा नहीं होती है ना, तो मैं वे प्रोटीन ले लेता हूँ, नहीं तो मैं पूरा प्रोटीन अपना एग्स से पूरा करने ट्राई करता हूँ। मील्स के मैक्रोस आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, यही कॉमन मील्स रहती है गाइस, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, इसी से गाइस आप देख सकते हैं ऐसी फिजिक बनती है। रेगुलरली आपको अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना पड़ता है गाइस, फिर आप कैसे भी करो, आप वे से करो, चाहे आप अंडों से करो, चाहे आप फूड से करो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। अब मेरे वर्कआउट में भी 2 घंटे बाकी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ प्रॉपर मील हो जिसमें प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट प्रॉपर हो। प्री वर्कआउट मील में आप प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स प्रॉपर लेते हो ना, तो एक क्रैश डाउन नहीं आएगा। अब आप खुद से आजमा के देखना, आप जाना सिर्फ कार्ब्स लेके, जैसे आप राइस खा लो, बनाना खा लो, उसके बाद आप जाके वर्कआउट करके देखना, आपको एकदम से हाइप तो मिलेगा लेकिन क्रैश भी एकदम से होगा, यानी एनर्जी एकदम से लो लगेगी। तो प्रॉपर मील लो जिसमें प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट प्रॉपर डिवाइड होना, तो आप एक लंबे टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, मैं अपनी मील ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे वर्कआउट के बाद लास्ट मील में। Thank you.
वर्कआउट फिनिश करके जा रहा हूँ घर पे फ्रेश होने के लिए भाई, लेग्स देख रहे इतना स्वेट आता है ना भाई, वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी है ना, मजाक नहीं, जबरदस्त खतरनाक गर्मी है यार। तो गाइस अब भी जस्ट नहा के फ्रेश होके जिम में आया हूँ, पूरा जिम खाली हो गया, क्लोजिंग टाइम हो गया, अभी ले रहा हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन, वर्कआउट के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता ही हूँ मैं। अभी ऐसा नहीं है कि फास्ट एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप दिन भर में आप पूरा अगर प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर रहे हो वही मैटर करता है, ये फास्ट एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन पीता हूँ। एज अ वेजिटेरियन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, जस्ट एक सेन वे से ही मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ। तो मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ, बस आधे घंटे बाद मैं अपनी लास्ट मील लूँगा। तो मील फिनिश करके गाइस मैं आ गया हूँ फिर से जिम में, तो लास्ट मील आपने देख ली, यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, 6 से 7 रोटी मैं खाता हूँ, जितनी मेरे को भूख होती है उतनी खाता हूँ गाइस, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि मेरे को 6 खाना है 7 खाना है, कभी 5 भी खा लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू कितनी मेरे को भूख है, ठीक है। तो जब से इंजरी के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ तब से मैं सेम डाइट कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसी से मेरे को अमेजिंग रिजल्ट देखने मिले, आप देख सकते हैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो कैसी लगी आपको एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप लोग ये डाइट फॉलो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस अभी अपना नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तो अपना वर्क कंप्लीट करता हूँ देन जाऊँगा घर पे। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक देखने के लिए, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।